फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज नॉन, नॉन क्या होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, या क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा, इसका जो पूरा नाम होता है नॉन का, वो होता है नॉट ए नंबर, एन फॉर नॉट, ए फॉर ए, एन फॉर नंबर, नॉट ए नंबर। ओके, और ये सारे तरीके होते हैं इसको डिफाइन करने, दिखाने के लिए कैसे कैसे आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको मतलब रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं इसको। इसे मान लीजिए, जैसे पूछा आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, इसे मतलब यहाँ पर वेरिएबल लिया, और मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया माई नेम। ओके, यहाँ पर चूंकि माई नेम जो कमेंट कैसे लिख दिया, अच्छा रहेगा थोड़ा सा यहाँ। ओके, तो माई नेम लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया सब, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, अपना भी नाम लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाया, यहाँ पर एक और मैं लिख दिया, क्योंकि मैं मुझे भी दिखाने का नंबर है कि नहीं, तो माई मैं मान लीजिए मैं लिख दिया आई, और मैं लिख दिया नंबर। ओके, नंबर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कि नंबर में कुछ भी मतलब नंबर डाल लीजिए, सपोज मतलब 98 और कुछ भी मतलब ऐसे करके तीन चार नंबर डाल लीजिए। ओके, और रैंडम कोई भी नंबर हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये कंडीशन लगाना है, या इफ कंडीशन ये लगाना है कि नॉन मतलब जो हमारा होता है नॉट ए नंबर, अगर ये नॉट ए नंबर हो मतलब जो भी हम डाल रहे हैं, मान लीजिए मैं क्या, जैसे मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ माई नेम, ये वाला अगर नॉट ए नंबर हो तो मुझे क्या प्रिंट करो, तो मुझे प्रिंट करो इंटर द राइट नंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करो, अगर होगा तो यहाँ पे हम एक पे प्रिंट करवाएंगे मैसेज इंटर द, मान लीजिए मैं लिख दिया राइट नंबर, मतलब ये नंबर नहीं है अगर ये होगा तो। ठीक, कंट्रोल एक्सेप्ट किया, चूंकि नंबर देखिए माय नेम क्या है, नाम है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे इसको क्या किया, रन किया। रन करने के बाद देखेंगे अभी कुछ देर बाद ये दिखाएगा हमको कि यह है कि नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर वाले जितने भी हैं सबको कमेंट कर दें, दिखाने के लिए सिर्फ मैं दिया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जब कंट्रोल एस एस एफ करके जब इसको रन करेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज नॉन। ठीक है, तो इसको रन करेंगे, पहले इसको मैं पूरी तरह से सुरक्षित कर दूँ। और यहाँ पे मैं आया कंट्रोल एस एस एफ फिर, और यहाँ से मैं रन करूँगा। रन करने के बाद मुझे टर्मिनल मिलेगा आंसर इसका, क्या है कि नहीं है, नंबर है कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट ए नंबर, यहाँ पे पहले ही दिखा दिया। आपको यहाँ लिखना होगा इज नॉन, यहाँ पे क्या लिखना होगा, इज नॉन, नॉन नहीं लिखना होगा इसे। यहाँ पे मैंने अभी दिखाया, मैं एक और करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे कंडीशन में लिखेंगे इज नॉन, ऑप्शन देंगे, और यहाँ पे देंगे आप नंबर। इसे पहले मैं इसको डायरेक्ट पूरा कट करके डायरेक्ट इसको कैंसिल करके एक कंडीशन पर लगा रहा हूँ, यहाँ पे इफ करेंगे, और यहाँ पे ई लिखेंगे और नॉन लिखेंगे। इसके अंदर आप जो भी लिखना होगा उसको पहचानना है कि नहीं है, ये वाला है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या प्रिंट कराना है, तो मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ लॉग, ये वाला, और इसके अंदर क्या प्रिंट करना चाहते हैं अगर नंबर नहीं होगा तो। ठीक, ये इज ए नॉन मतलब नॉट, ये नंबर नहीं है तो क्या प्रिंट कराएंगे, आप लिखेंगे इंटर द, मान लीजिए द राइट नंबर। ओके, इंटर द राइट नंबर, और फिर कंट्रोल सेव किया आपने, और इसको जब रन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज नॉन। यहाँ पे देखिए आप दिखाएगा अभी, यहाँ पे इज नॉन के जगह पर लिखेंगे आप तो यहाँ पर नीचे दिखा देगा व्हाट इज रॉन, या नॉन है या नहीं है। कंट्रोल एस से फिर दोबारा करिए, नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा दोबारा रन करते रहिए बार बार, आप मिल गया आप को। देखिए यहाँ पे इंटर द राइट नंबर दिखा रहा है, अरे मेरे गड़बड़ हो गया अब।